नाज़िम पदीदन में सिविल सोसाइटी पारा फहमीदा से आज कत्ल वाले वाके खिलाफ एहतजाज कर रहे हो। पेश आए फवाद राजपुर जी की रिपोर्ट। चाहे ऊपर अचे कुछ या गुलान कान में एक फहमीद सयाल जो कत्ल किया वही अफसोस की गाल यह है तो उन हथ में कुरान शरीफ हुए अज उन खिलाफ़ एहतजाज किया उन इंसाफ के खिलाफ एहतजाज किया अचो तो अवा पुछू तुम वकूफ है यानी मुख्य तू जुलम न कर मुख्य न मार आई उन्हीं जालिम उन्हीं कुरानी पाक की हुरमत न कई फहमीदा सियाल के सीने में लगी आ जी मरी थी वही शहीद थी वही बिरादरान इस्लाम असि रैली उन्हीं बेहुरमती के मजम के बारे में आनी जालिम के सरेआम फांसी दिनी वे सजा दिनी वे चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का मुतालबो था क्यों तो उन्हीं गिरफ्तार करें उन्हीं के मत एफ आई आर कटे उन्हीं के कानून के कटहरी माने उनके सजा दिनी वे आई तो कुरानी पाक की अड़े किस्म की बेहुरमती कहीं हिम्मत न थी। अफसोस से चवण तो पे तो एक सियाल बिरादरी के मथा वही हमलो कयो हमले दौरान जिन मल फहमीदा सयाल तो उन जालम के इलाज भी कई तो जालम असा रहम कर असा के कत्ल न कर असो कड़ो कसूर आ जो तू असा के कत्ल तो करें असो अज इो ही एहतजाज है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिंध आईजी आई सिंध जो वड़ी वड़ो वजीर सैयद मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी का असा पर जोर मुतालबो था क्यों तो बिलाल भुट्टो जरदारी साहब शायद महेशर जो नी थी दो तेने सवाल जो जवाब शायद तवा खां भी पुछा थी सिंध हुकूमत कबायली निज़ाम के इंजेक्शन हणी जेरो के वेठी है जै जे नशे में पैसा कमायो न्याणियों के कुरान शरीफ के अजमत के वो विसार अचन वो इंसान ही को मुसलमान तो परे थे वो इंसान ही को जागीरदारी लड़ो जो कुबो है वो जालिम है जुल्म पो करे।